वेलकम टू एस जी इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। यह हमारे फिश टैंक रूम की स्मॉल फिशेस या सबसे छोटी फिशेस, इनका नाम है ग्लो फिश या कलर विडो टेट्रा फिश। सो ये हमारी ग्लो फिश एक्वेरियम है जिसकी डाइमेंशंस है 3 फीट इन लेंथ, 1 फीट इन विड्थ एंड हाइट इसकी 1 फीट से थोड़ी सी ज्यादा है, दैट इज 15 इंचेस। इस टैंक का वाटर वॉल्यूम है 106 लीटर्स या 28 US gallons। तो इस फिश टैंक में मैंने सिर्फ 12 ग्लोफिश ऐड की है जिसमें 4 कलर्स है, दैट इज सन ऑरेंज, ग्रीन, रेड एंड पिंक। एज द टैंक साइज इज गुड एनफ फॉर दीज नंबर ऑफ फिशेस, सो यू कैन सी दे आर रियली एंजॉइंग द स्पेस। और सेटअप में मैंने नीचे पूरी वाइट सैंड ऐड की है 20 किलोज की, और रॉक्स 3-4 टाइप्स के रखे हैं, जैसे स्लेट रॉक है, लावा रॉक है, ड्रैगन रॉक है और सेरियो रॉक भी है। सो ग्लोफिश या कलर विडो टेट्रा फिश बहुत इजी मेंटेनेंस फिश है और बिगिनर्स भी आसानी से रख सकते हैं। सो इस टैंक को बनाने का ख्याल अचानक आया मेरे मन में कि आई जस्ट इमेजिन अ नॉर्मल साइज टैंक हैविंग अ ब्लैक बैकग्राउंड विद कलरफुल विडो टेट्रास। And the next day, I headed to the fish shop to get these little cute aquatic creatures. Their colors and their slow movement is so eye-pleasing. They really emit such positive and peaceful vibes to me. No doubt that they are attractive and their colors are very catchy. But जब भी इन fishes की बात आती है या color widow tetras के बारे में बहुत लोग को doubt है कि क्या ये natural है या नहीं। कुछ लोग इन्हें आर्टिफिशियल फिश भी बुलाते हैं या नकली फिश भी बोलते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये कॉमन विडो टेट्रा में कलर इंजेक्ट करके बनाई है। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये फिश आपको नेचर में या वाइल्ड में तो नहीं मिलेगी, पर ये वैसे आर्टिफिशियल नहीं है और पूरी नेचुरल भी नहीं है या कम्प्लीटली मैडमेड भी नहीं है लाइक फ्लावरॉन एंड गोल्ड फिश। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फिश है, यानी साइंटिस्ट के द्वारा बनाई हुई फिश है। तो ग्लोफिश ये दुनिया में कैसे आई वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ग्लोफिश को पाने के लिए नेचुरल फ्लोरेसेंस जीन को जेब्रा डैनियो में डाला गया था और ये अद्भुत क्रिया यूनाइटेड स्टेट्स में की गई थी ताकि कलर विडो टेट्रास की मदद से पानी में पाए जाने वाले पल्यूटेंट्स या प्रदूषण को डिटेक्ट करने या समझने के लिए। तो ये एक्वेरियम कीपिंग के लिए बनाई नहीं गई थी, पर इसके आकर्षक रंगों से, अट्रैक्टिव कलर्स के कारण यूएस में बहुत लोग इसे एक्वेरियम में रखने लगे और तब से ये पॉपुलर हो गई। तो ग्लोफिश के या कलर विडो टेट्रा फिश के पॉपुलर होने के बाद दूसरे फिशेस में भी ये फ्लोरोसेंट जीन डाली गई, उन पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया, पर ये एक्सपेरिमेंट बाकी फिशेस में इतना कामयाब नहीं हुआ और उनसे जो ऑफस्प्रिंग, जो फिश ऑफस्प्रिंग आई या बच्चे आए, वो इतने हॉबी में पॉपुलर नहीं हो पाए। तो अब मार्केट में जितने भी ग्लोफिश है ये प्रॉपरली ब्रीड होने के बाद हुए हैं। हर एक ग्लोफिश ने अपने पेरेंट का कलर कैरी ऑन किया है। सो देखिए इतने से नन्हे मुन्ने हैं ये, बट इनकी हिस्ट्री कितनी दिलचस्प है। ऑल्सो ना ही ये कलर डाइड है ना ही कलर इंजेक्टेड है, क्योंकि ब्रीड करने के बाद ये इनके नेचुरल कलर्स है राइट फ्रॉम व्हेन दे वर बॉर्न। तो ना ही इनको हार्म किया गया है और ना ही कुछ क्रुएल्टी इनके साथ हुई है लाइक टैटू पैरट्स, जिनके ऊपर एक्चुअली टैटू बनाया जाता है पानी से बाहर निकालकर, एंड दैट इज एक्चुअली क्रुएल्टी बाय हार्मिंग द फिश जस्ट टू ड्रॉ एनी रैंडम टैटू। नॉर्मल पैरट फिश मेरे हिसाब से बहुत प्यारे दिखते हैं, बी इट रेड या येलो। मुझे टैटू पैरट्स बिल्कुल नहीं पसंद एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू पीपल लाइक एंड सपोर्ट इट। आपकी क्या राय है इसके बारे में जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो जो भी कलर विडो टेट्रास रखना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहूंगा रिगार्डिंग कीपिंग एंड वाटर पैरामीटर्स। तो पीएच रेंज है 6 to 7.5, इनके लिए राइट टेम्परेचर रेंज है फ्रॉम 22 to 28 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम टैंक साइज वॉल्यूम होनी चाहिए 60 to 80 लीटर्स। सो अब टैंक मेच के बारे में बताना चाहूंगा, इनके साथ आप डैनियोज रख सकते हैं या टेट्राफिश भी रख सकते हैं।
जैसे नियॉन, कार्डिनल और अदर टेट्रास। स्मॉल साइज के बाब्स भी आप इनके साथ रख सकते हैं, जैसे मैंने इसके अंदर एक टाइगर बाब की पैर ऐड की है। सो फूड में आप इन्हें पैलेट फूड दे सकते हैं और ब्लड वर्म्स भी देना सही रहेगा, ब्राइन श्रिम्प या डैफनिया भी दे सकते हैं। साइज इनकी 3 इंचेस तक जा सकती है अगर टैंक बड़ी हो तो, अदरवाइज 2 से 2.5 इंच, 2 to 2.5 इंचेस तक ये ग्रो होते हैं या बढ़ सकते हैं। इनकी लाइफ स्पैन 3 ईयर्स होती है। बहुत अच्छे से रखा जाए, वाटर कंडीशंस और फीडिंग पर बेस्ट ध्यान दिया जाए तो 5 ईयर्स भी जी सकते हैं। ऑफ कोर्स वाइल्ड में ये इससे ज़्यादा साल जीते हैं, पर ये कलर वाले नहीं, इनके कॉमन विडो रिश्तेदार। ऑल्सो इनको सॉफ्ट वाटर पसंद है और ये ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, पर ये टाइगर बाब्स के तरह इतनी अच्छी स्कूलिंग नहीं करते हैं, तो बेहतर है कि एटलीस्ट 6 ग्लोफिश आप रखें, वो बेहतर रहेगा। सो स्कूलिंग ये ज़्यादातर करते नहीं है एज़ कम्पेयर टू टाइगर बाब्स, बट ग्रुप्स में रखना इज़ ऑलवेज बेटर। ऑल राइट, सो दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो अबाउट माई ग्लोफिश एक्वेरियम एंड आई हैव शेयर सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज विडो टेट्रा फिश। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें और कॉमेंट्स में मुझे बताइए। आई सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग वीडियो कमिंग सून एज़ जे इंसेप्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड। सो दिस वॉज आर ग्लोफिश एक्वेरियम।